Hey guys, this is Shabnam and welcome to our family Foods Benefits. फ्रेंड्स आई होप आप सब अच्छे हैं, सेफ हैं एंड हेल्दी हैं। सो फ्रेंड्स एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ आप सबकी खिदमत में एक और फूड टॉपिक के साथ। फ्रेंड्स आज की जो फूड टॉपिक है वो है अर्थराइटिस से रिलेटेड। यस फ्रेंड्स, आज मैं अर्थराइटिस से रिलेटेड टॉपिक पर वीडियो लेकर आई हूँ। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगी अर्थराइटिस के इलाज के कुछ घरेलू उपाय, होम रेमेडीज बताऊंगी कुछ अर्थराइटिस के, जिससे आपको अर्थराइटिस के पेन में यानी कि गठिया के रोग में राहत मिलेगी। सो फ्रेंड्स चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो ऐसे ही वीडियोस देखते रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड्स, ताकि मैं जब भी वीडियोज़ अपलोड करूँगी आपको इसकी नोटिफिकेशन तुरंत मिलेगी। क्योंकि मैं इस चैनल पर फूड से रिलेटेड अलग अलग टॉपिक्स पर वीडियोस हर रोज़ लाती रहती हूँ, जो कि हेल्थ के लिए होता है, स्किन के लिए होता है और हेयर के लिए भी होता है। सो चलिए फ्रेंड्स लेट्स गेट द वीडियो। हे फ्रेंड्स वेलकम बैक टू आवर चैनल। फ्रेंड्स तो सबसे पहले जो अर्थराइटिस की होम रेमेडी है वो है हल्दी। यस फ्रेंड्स, हल्दी को आयुर्वेद में गठिया का जो है रामबाण इलाज माना जाता है। दरअसल ये एक नेचुरल एंटीसेप्टिक है फ्रेंड्स, जिसमें करक्यूमिनाइड नाम की कंपाउंड पाई जाती है, वी ऑल नो डैट। और इसी वजह से हल्दी में एंटी अर्थराइटिक और एंटी इन्फ्लामेटरी गुण भी मौजूद होते हैं। तो ऐसे में चोट लगने पर हल्दी का यूज़ किया जाता है तो जल्द ही जो है चोट से और दर्द से राहत मिलती है। वहीं पर जो है ये शरीर में सूजन को कम करने में भी हेल्प कर सकती है फ्रेंड्स, साथ ही अर्थराइटिस के असर को धीरे धीरे कम कर सकती है हल्दी। इसलिए गठिया की दवा के रूप में हल्दी का इस्तेमाल किया जा सकता है घर पर। सो फ्रेंड्स आपको इसका यूज़ कैसे करना है, सो फ्रेंड्स 2-3 ग्राम हल्दी को पानी में डालकर आप उबाल लें, कच्ची हल्दी को डालकर उबाल लें, या तो अगर कच्ची हल्दी ना हो वो बेस्ट होगी, अगर ना हो तो आप अच्छी कोई ब्रांड की हल्दी पाउडर ले सकते हैं, उसको पानी में उबाल लें। इसके बाद जब पानी नॉर्मल हो जाए, बहुत ज़्यादा गर्म ना रहे, तो आप इसको पी लें। हर रोज़ खाना खाने के बाद आप थोड़ी सी हल्दी ज़रूर यूज़ करें फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, दूसरी जो होम रेमेडी है वो है अदरक। यस फ्रेंड्स, गठिया की प्रॉब्लम से राहत पाने के लिए अदरक का यूज़ भी किया जा सकता है। ये सूजन को दूर करने का काम करता है फ्रेंड्स, और इसी वजह से इसे जो है गठिया के घरेलू उपचार के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ये बॉडी में प्रोस्टाग्लैंडिन यानी लिपिड का एक टाइप होता है, तो उसके लेवल को ये कम करके सूजन को कम कर सकता है फ्रेंड्स। अदरक में एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं, जो गठिया की प्रॉब्लम में आराम पहुंचाते हैं। फ्रेंड्स अब जान लीजिए कि आपको अदरक कैसे यूज करना है अर्थराइटिस के पेन के लिए। सो फ्रेंड्स अदरक के तेल से मालिश कर सकते हैं, इससे आपके अर्थराइटिस की पेन में आपको रिलीफ मिलेगी। इसके अलावा अदरक की चाय बनाकर भी आप इसका सेवन कर सकते हैं, बट ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स कि इसका ज्यादा आप सेवन ना करें, क्योंकि इससे पेट में गर्मी हो सकती है। ओके फ्रेंड्स, तीसरी होम रेमेडी है मेथी। फ्रेंड्स जहां मेथी खाने का स्वाद बढ़ाती है, वहीं ये कई प्रकार की बीमारियों से लड़ने में हेल्प भी कर सकती है फ्रेंड्स। इसे एंटी इंफ्लामेटरी और एंटी अर्थराइटिक का जो है मेन सोर्स भी माना जाता है। इसी वजह से फ्रेंड्स इसे आयुर्वेद में गठिया का रामबाण इलाज भी कहा जाता है फ्रेंड्स। मेथी के दानों में पेट्रोलियम इथर एक्सट्रैक्ट होते हैं फ्रेंड्स, जिस वजह से ये गठिया के चलते जोड़ों में आई सूजन को कम करने में हेल्प कर सकता है। साथ ही इसमें सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड भी होता है फ्रेंड्स, इस वजह से ये सूजन और दर्द को कम कर सकता है और आपको अर्थराइटिस के पेन से रिलीफ दे सकता है। फ्रेंड्स अगर आपको अर्थराइटिस की प्रॉब्लम है तो आप अपने खाने में मेथी का सेवन ज़रूर करें, इससे आपको आराम मिलेगा। सो फ्रेंड्स अब जान लीजिए आपको मेथी के दानों को कैसे यूज़ करना है। मेथी के दानों को पानी में डालकर पहले आपको उबाल लेना है फ्रेंड्स, फिर आपको पानी को छानकर उसमें कुछ बूंद नींबू और शहद मिलाकर आप चाय की तरह इसको सिप करके पिए। साथ ही मेथी के दानों को पीस कर पाउडर बना सकते हैं फ्रेंड्स, और इसे फिर सब्जी और सूप में डालकर आप इसका सेवन कर सकते हैं। इसके अलावा मेथी के दानों को पानी में भिगोकर अंकुरित करके उसको सैलेड के रूप में भी आप खा सकते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट होम रेमेडी है कैस्टर ऑयल। यस फ्रेंड्स, कैस्टर ऑयल बॉडी में लिम्फोसाइट को बढ़ाने में हेल्प करता है। ये एक तरह के टी सेल यानी व्हाइट ब्लड सेल
होती है जो किसी भी तरह की बीमारी से लड़ने में मदद करती है। ये शरीर में लगने वाली चोटों से भी रिकवर करने में मदद करती है फ्रेंड्स। साथ ही कैस्टर ऑयल में रिसिनोलिक एसिड पाया जाता है फ्रेंड्स, जो एंटी इन्फ्लेमेटरी की तरह काम करता है आपके शरीर में। रिसिनोलिक एसिड की मौजूदगी के वजह से ये गठिया के उपचार में फायदेमंद साबित होता है फ्रेंड्स। गठिया रोग का इलाज करने के लिए कैस्टर ऑयल उपयोगी साबित हो सकता है। सो फ्रेंड्स, इसके लिए आपको कैस्टर ऑयल में अजवाइन और कपूर मिलाकर गर्म कर लेना होगा पहले, फिर तेल के हल्का गुनगुने होने पर दर्द वाली जो जगह है आपकी, वहाँ पर आपको हल्के हल्के हाथों से मसाज करना है। 15-20 मिनट्स मालिश कर लेना है। फिर इस तरह से मसाज करने से जो है आपके जोड़ों में दर्द और अकड़न से राहत मिल सकती है। एंड नाउ फ्रेंड्स, जो लास्ट होम रेमेडी है वो है लहसुन। एंड फ्रेंड्स, ये अर्थराइटिस के पेन में बहुत ही पॉपुलर होम रेमेडी है, हम सभी जानते हैं। सो फ्रेंड्स, लहसुन में एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं जिस वजह से ये जोड़ों में दर्द और सूजन को कम कर सकता है। इसके अलावा लहसुन में डायलाइल डाइसल्फाइड, एलेसिन, एजोइन और सेलेनियम जैसे कंपाउंड्स भी होते हैं। इन कंपाउंड्स की मौजूदगी की वजह से ये अर्थराइटिक प्रॉपर्टीज भी इसमें होते हैं फ्रेंड्स। ऐसे में अर्थराइटिस की वजह से होने वाली जो दर्द और सूजन होती है उसको कम करने में गठिया की दवा के रूप में भी ये लहसुन जो है बहुत ही पॉपुलर है फ्रेंड्स, और इससे राहत भी मिलती है। सो फ्रेंड्स, चलिए जान लीजिए लहसुन को आपको कैसे उपयोग करना है। फ्रेंड्स, अर्थराइटिस जैसी प्रॉब्लम में रोज सुबह 3-4 लहसुन की कच्ची कलियों का आपको सेवन अगर आप कर सकते हैं तो इससे आपकी अर्थराइटिस की पेन में ज़रूर रिलीफ मिलेगी। अगर आप 3-4 लहसुन भी नहीं ले सकते तो कम से कम 1 या 2 लहसुन तो ज़रूर लें। इससे आपको जो है ज़रूर अर्थराइटिस के पेन में रिलीफ मिलेगा। और इसके अलावा जो आप कर सकते हैं वो है मालिश, लहसुन की तेल की मालिश भी जो है आप अपने अर्थराइटिस की जो जहाँ पर पेन होती है वहाँ पर आप जो है मालिश भी कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये थी कुछ होम रेमेडीज़ अर्थराइटिस की पेन से रिलीफ पाने के लिए। इन होम रेमेडीज़ को आप अपने अर्थराइटिस की पेन में ज़रूर यूज़ करें फ्रेंड्स, आपको इससे ज़रूर रिलीफ मिलेगी। एंड फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको आज की ये वीडियो ज़रूर पसंद आई है। सो फ्रेंड्स, डू लेट मी नो इन द कमेंट एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा मेरे चैनल को। और थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, कीप सपोर्टिंग मी एंड सो सम लव्स एंड सपोर्ट टू माई चैनल। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड। बाय।